सोलन को नगर निगम घोषित कर दिया गया है और इस फैसले पर कैबिनेट में भी पास की मोहर लग चुकी है, लेकिन गांववासी नगर निगम में गांव शामिल न किए जाए इसके लिए संघर्षरत हैं। वे अपनी आपत्तियां देकर कुछ समय से शांत थे, लेकिन अब जयनगर निगम बनना तय है तो ऐसे में वे फिर से सक्रिय हो गए हैं। किसान संघर्ष समिति ने नगर निगम के मुद्दे को लेकर आपात बैठक बुलाई और उनका आने वाले समय में संघर्ष किस प्रकार से किया जाएगा इसके लिए रणनीति बनाई गई। बैठक किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष किरण किशोर की अध्यक्षता में ली गई, जिसमें संघर्ष के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और कार्यकारिणी के सदस्यों ने अपनी अपनी राय रखी। इस बैठक से ये साफ हो जाता है कि गांववासी जो कुछ समय से शांत थे वे अब अपना मौन त्याग कर संघर्ष करने को तैयार हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। इस मौके पर किसान संघर्ष समिति के कार्यकारिणी पदाधिकारियों ने बताया कि आपात बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें वे गांववासी भी शामिल हैं, जो नगर निगम के दायरे में नहीं आते क्योंकि वे जानते हैं कि आने वाले समय में उन्हें भी नगर निगम में शामिल कर उनके हकों को भी खत्म किया जा सकता है, इसलिए वे भी इस संकट की घड़ी में उनका साथ देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि उनकी हल लगती जमीन को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि उस जमीन को भी शामिल किया जा रहा है जिसमें किसान खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं और जो किसान अपने पैरों पर खड़े हैं उन्हें भी बेरोजगार की श्रेणी में लाना चाहते हैं, लेकिन किसान संघर्ष समिति ऐसा कतई होने नहीं देगी, चाहे इसके लिए उन्हें अनशन करना पड़े या भूख हड़ताल करनी पड़े। आज ग्रामीण संघर्ष समिति की बैठक जो है वो यहाँ आयोजित की गई और इसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो नगर निगम में शामिल किए जा रहे गांव हैं, जो 8 पंचायतों के इलाके लिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ लोगों में रोष है और उस रोष को व्यक्त करने के लिए सोमवार को एक रैली रखी जाएगी, जिसमें सरकार को ये संदेशा दिया जाएगा कि लोगों की सहमति के बिना सरकार ने जो ये अफसरशाही फरमान यहाँ चलाया है और जो ये एक कॉकस कुछ राजनेताओं का और सरकारी अफसरों का है, उसके खिलाफ हम जो है वो लोगों को सरकार को इस रैली के माध्यम से दर्शाएंगे। और हो सकता है कि अभी अनशन की भी तैयारी यहाँ की जा रही है कि अनशन के लिए भी तैयार यहाँ वॉलंटियर्स बहुत उसमें है कि सरकार के खिलाफ हम अनशन करेंगे, भोजन छोड़ेंगे और सत्याग्रह के रूप में इस आंदोलन को हम चलाएंगे। देखो, नगर निगम जरूरतों प्रोस्पेक्टिव है, ये एक नजरिया जो आप देख रहे हैं या मैं भी कल सुन रहा था कुछ लोगों की, उनका कहना है कि जमीनों के भाव बढ़ जाएंगे, आप बेच पाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लोग यहाँ जमीनें बेचने के लिए, ये मातृभूमि है हमारी, हम लोग ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये कोई जमीनों के दाम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहाँ तक ये बात है, मेरे को आप बताएं कि सोलन शहर में कितना रोजगार सरकार द्वारा सृजित किया गया और कितने हमारे लोगों को यहाँ रोजगार दिया गया। हमारे यहाँ के लोग इसी जमीन के बलबूते पर अपनी रोजी रोटी और अपने परिवार को चला रहे हैं और ये उसी जमीन के कीमतों बढ़ाकर उसके सौदे की बात कर रहे हैं। तो ये जो सरकार का या अफसरों का या नेताओं का जो ये प्रोस्पेक्टिव है, हम उसके खिलाफ हैं और इसीलिए इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। बात यह कि जो आसपास के भी गांव जुड़ रहे हैं उनका मानना यह है कि आज हमारे ऊपर पड़ रही है तो कल उनके ऊपर आएगी। और जैसा कि साथी मनोज ने कहा कि जैसा नेता लोग बोल रहे हैं कि जमीनों के भाव बढ़ जाएंगे, ये लोग नहीं देख रहे हैं कि जो टमाटर उगा रहे हैं उसके साथ कितना रोजगार जो है वो लोगों का जुड़ा हुआ है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, वो सारे रोजगार में लगे हुए हैं। सरकार तो दे नहीं पा रही रोजगार, जो खेती बाड़ी से कर रहे हैं किसान यहाँ के जो साथ में के ग्रामीण लोग हैं, तो मेरा सरकार से ये कहना है कि इनका रोजगार क्यों छीना जा रहा है, जब तुम रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार छीन क्यों रहे हो।